hello everyone a warm welcome to all at our youtube channel csnsr this is nandita Nangya from csnsr and today we are going to discuss about that income tax department has sent notices over donations to charitable trusts and for that i would like to welcome cip vivek kuranasa first of all sir a warm welcome to you at our youtube channel csnsr and thank you very much for giving us your valuable time before vivek sir start his deliberation i request you all that please subscribe to our youtube channel csnr and also press the bell icon so that you will receive all the notifications about our new videos and webinars so sir uh, this is in the news right now ki income tax ne jo hai wo notices issue kiye hain over donations to charitable trusts can you please discuss that what is it and why kyun notices ye issue hue hain thank you very much nandita ji

एंड इंडिविजुअल्स में भी कौन है जो सेल लिड क्लास द स्मॉल टैक्स फेयर हैं स्मॉल फॉर्म्स हैं एंड कंपनीज को भी वो हैड गिवन द डोनेशन टू द चैरिटेबल ट्रस्ट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह लग रहा है इट्स ए टैक्स इवेजन तो टैक्स इवेजन क्या है डेज एवरी थिंग इज ऑनलाइन एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज ऑल्सो यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे हैव चेक्ड कि जो ये डोनेशन गई है चैरिटेबल ट्रस्ट को नहीं दाल में कुछ काला जरूर है तो अगर हम देखें एज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो हमें डोनेशन या जो हम ओल्ड टैक्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं उसमें टू थिंग्स आर गया वन इज टैक्स प्लानिंग अनदर वन इज टैक्स इविजन तो एज ए प्रोफेशनल हम लोग मोस्टली अपने क्लाइंट्स को गाइड करते हैं रिगार्डिंग द टैक्स प्लानिंग एंड दैट्स अ गुड हैबिट कि इट्स अ गुड थिंग कि आप टैक्स प्लानिंग करो बट उसी में तो माइनर सा डिफरेंस है टैक्स प्लानिंग टैक्स इवेजन तो टैक्स इवेजन गवर्नमेंट मान गवर्नमेंट भी चाहती है कि टैक्स इवेजन ना हो तो अब उन्होंने एक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू चेक किया है कि जो कुछ लोगों ने जो डोनेशंस डोनेशंस इनकम टैक्स सेक्शन एटी जी एटी जी जी बी एटी जी जी सी में है जो आपको कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट हैं पोलिटिकल पार्टी हैं जो एट थाउजेंड नोटिस चैरिटेबल है तो उसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इन्होंने चेक किया है कि जो ये डोनेशन गई है जो चैरिटेबल ट्रस्ट को वो कहीं ना कहीं इट केम्स बैक कि उसमें होता क्या है जो कई बार सुनने में आता है कि लोग डोनेशन तो दे देते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट को और फिर व्हाट हैपन वो आपको अमाउंट वापस मिल जाते हैं डोनेशन का ही तो उसमें क्या है गवर्नमेंट को टोटल लॉस हो रहा है एक तो जो टैक्स है आपका

कि अभी आने वाले टाइम में और बहुत लोगों को नोटिस जाएंगे कि जिन्होंने कुछ ऐसा किया है टैक्स इविजन कि आपने डोनेशन तो पे कर दी बट समवेयर वो आपकी डोनेशन वो जो ब्लैक एंड व्हाइट का जो आ, कहते हैं ना कि कुछ आपका वापस आ गया तो आने वाले टाइम में और नोटिस जाएंगे तो इवन जो आई टोल्ड यू नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट्स प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल और आने वाले टाइम में और ज्यादा इनफैक्ट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक चैट जीपीटी जो आया है उसके ऊपर भी कोई एक वेबिनार करवाइए आप अपने सी uh, एस संसार चैलन की तो उसके सॉफ्टवेयर के थ्रू दे हैव चेक्ड उन्होंने पूरी कैलकुलेशन करी कि जो उनका डेटा एनालिसिस है कि क्या उनके जो आपके टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने डोनेशन पे करी है उनकी इनकम एक्सपेंडिचर वो मैच भी कर रही है या नहीं कर रही मैच फॉर डोनेशन जो एटी जी में डोनेशन पे करी है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो डोनेशन एटी जी में पे करी है इट्स ओनली द अमाउंट

के अपने चेक दे दिया आपको रिफंड मिल गया वहां से एक तो आपका टैक्स सेविंग होगी और उसमें नहीं लगा। दूसरा उनको भी वाइट गवर्नमेंट तो को तो गवर्नमेंट को नोटिस तो में एट थाउजेंड जो टैक्स पेयर्स हैं बट आने वाले टाइम्स में ये नोटिस जो आएंगे और काफी ज्यादा लोगों को आएंगे इफ दे डिड द सेम प्रैक्टिस मीन्स उसमें किया क्या है कि कुछ लोगों ने जो टैक्स ब्रैकेट्स में थे उसको कम कर लिया इवन मीन्स दे हैव कंपेयर कि उन्होंने जो अमाउंट uh, पे किया डिडक्शन दिस इज द सेम अमाउंट कि आपका कोई टैक्स नहीं uh, uh, मतलब उतनी फिगर्स के नीचे आ गया आपकी जो ग्रोथ टोटल इनकम टोटल इनकम आएगी आपका आफ्टर आपकाशन में उतना ही अमाउंट पे कर रहे हो एंड कुछ केसेस में आई टोल्ड यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू दे देव चेक आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर वो मैच ही नहीं कर रहा किसी की फाइव लाख रुपीज अगर बाई चांस इनकम कैन पे दन लाख डोनेशन यस ही कैन पे कर भी सकता है कोई ऐसी बड़ी बात नहीं बट नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिलीज में इतनी बड़ी डोनेशन नॉट पॉसिबल बट येस अगर करें तो बहुत तो अच्छी बात है आई एम नॉट एम जस्ट ओनली टेलिंग यू अबाउट द स्पेक्टिव ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी हो है तो कंप्यूटराइज है मैं तो वही हमेशा ही कहता रहता हूँ कि वो तो जो उसमें इनबिल्ड करोगे वही बताएगा बट यस आर येयर कि एक्सेप्शन में भी होता है ये सब कुछ तो ए एट्टी जी जी बी और एट्टी जी जी सी में जो मैंने बताया आपको डोनेशंस हैं अभी तो वो है क्या बेसिकली तो एट्टी जी में जो जो आप डोनेशन पे करते हो आ, दिस इज बाई दैनी टैक्स पेयर अगर आप डोनेशन पे कर रहे हो किसी इंस्टीट्यूशन को या चैरिटेबल ट्रस्ट को तो उसमें कुछ लिमिट्स हैं कि आप इतनी क्वालिफाइंग लिमिट्स हैं उस क्वालिफाइड लिमिट्स के बाद आ, आपका फिफ्टी परसेंट या हंड्रेड परसेंट आपको डिडक्शन मिल जाएगी या फिर कुछ और आ, उसमें डिटेल्स है पूरी कुछ इंस्टीट्यूशन या चैरिटेबल ट्रस्ट जो क्वालिफाइड लिमिट में नहीं है उसमें भी आपको 50 या 100 डिडक्शन मिल जाएगी देन ए टी और ए टी में क्या है कि आपका कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को अगर कुछ इंडिविजुअल्स या कंपनीज डोनेशन पे कर रही हैं तो उस केस में भी आपको डिडक्शन मिलती है ए टी और ए में तो दीज ओल आर ओनली फॉर द ओल्ड टैक्स जो ओल्ड टैक्स स्कीम है आपकी

अगर कोई सीए ए इन्वॉल्व है तो उसको सीए नहीं लिखना चाहिए He should only write a. A agent. तो सीए नहीं है वो, वो agent है। And अगर है, अगर तो आईसीआई को भी एक्शन लेना चाहिए आईसीआई शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दीस चार्टर्ड अकाउंटेंट अभी क्या हुआ पीछे सेंसेशन तो बन जाती है कि इज एनवॉल्ड अभी पीछे हमने देखा था काफी समय टाइम पहले मीसा भारती केस में चार्टर्ड अकाउंटेंट उनको पकड़ के ले गई पुलिस छह महीने अंदर बंद कर दिया बट क्या हुआ अब आराम से काम कर रहे हैं न मीसा भारती का अगेंस्ट कुछ हुआ लालू यादव कुछ नहीं हुआ और चार्टर्ड अकाउंटेंट आई ने कोई एक्शन ही नहीं लिया बस ठीक है तो सेंसेशन बनाने के लिए आप सीए का नाम इन्वॉल्व कर दो बट माइट भी हो सकता है बट वही मैं कह रहा हूं अगर है तो इट्स रॉन्ग थिंग एंड वन मोर थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर कि कुछ मेरे पास भी मैसेजेस आए थे कि अगर कुछ किया है तो इन दिस केस ह्यूज पेनल्टीज आर देयर उसमें आपके ऊपर ह्यूज पेनल्टीज हैं देन आपके ऊपर इंटरेस्ट भी है कि अगर आपके पास ये नोटिस आता है देन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज पावर वो आपके ऊपर फर्स्ट थिंग क्योंकि ये जितने भी ये आपके जो आपके नोटिसिस आएंगे दे विल आस्क यू गिव द क्लेरिफिकेशंस कि आपने ये डोनेशन पे करी है देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि वो आपका 69 सेक्शन 68 69 ए भी जो जो आपका माइट बी रिमेंबर कैश क्रेडिट या अनएक्सप्लेन्ड मनी अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट उसमें कवर होगा और उसमें सेक्शन एक है 115 BBE उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज द पावर

उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी फिफ्टी टू टू हंड्रेड परसेंट तो ये मान के चलो अराउंड टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड परसेंट पेनल्टी इंटरेस्ट टैक्स तो आपने सेव क्या किया टेन ट्वेंटी परसेंट और कितना ज्यादा रिस्क है नाउ अनदर थिंग अगर आपके पास नोटिस आते हैं देन यू हैव टू थिंक वेदर मैं ये नहीं कह रहा कि सबने ही बोगस uh, डोनेशन जिसको कहते हैं बोगस डोनेशन दी होगी नो आपकी जेनुअन है देन यू कैन रिप्लाई कि यस दिस इज फ्रॉम द जेनुअन सोर्स तो उस केस में क्या है आपने फर्स्ट जब आपने डोनेशन दी होगी तो आपने चेक किया होगा वेदर दैट ट्रस्ट जो ट्रस्ट है या इंस्टीट्यूशन है तो दैट्स द एलिजिबल फॉर द डिडक्शन आपने वो जो उसका सर्टिफिकेट है वो लिया होगा आपने फिर रिसिप्ट ली होगी एंड अनदर थिंग अभी इसमें कुछ नोटिस में कह रहे हैं कि कैश डोनेशन दिया कैश डोनेशन तो वैसे ही अलाउड नहीं है टू थाउजेंड एंड वो सेक्शन एटी जी में भी फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड से ही चेंज हो गया था कि आप टू थाउजेंड से वो कैश देंगे तो आपका इन एलिजिबल हो जाएगा आप उसके ऊपर वो आपको डिडक्शन ही नहीं मिलेगी तो इट्स बाई वे ऑफ चेक है या डिमांड ड्राफ्ट है या बैंक ट्रांसफर है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू आपने अगर कोई पेमेंट करी है तभी आपको अलाउ होगा तो फर्स्ट थिंग ये आपको चेक करना है सेकेंड थिंग अगर बाई चांस अपने ये भी चेक करना है कि कोई डोनेशन दी है आपने तो इन दैट पीरियड कि उसके विद इन ए फोर फाइव डेज या वन वीक के अंदर सेम अमाउंट कहीं आपने अपने बैंक में तो डिपोजिट नहीं करवा दी अगर भाई चांस हो सकता है इंस, इंसिडेंस मतलब ये हो ही जाए कि फॉर एग्जांपल मैंने वन लाख रुपए की डोनेशन दी और तीन दिन बाद मैं वन लाख की अपने बैंक में डिपॉजिट करा रहा हूं तो समवेयर कहीं लू पार्टी है ना कि आपने डोनेशन दी और आपको उतना अमाउंट कैश मिला और आपने बैंक में ट्रांसफर कर दिया तो दैट आल्सो यू हैव टू सी या फिर बैंक उसके केसेस में स्मॉल जैसे आपके टैक्स पेयर्स हैं तो उसने कहीं आपने कैश इन हैंड में दिखा दिया कि वन लाख रुपीज कहीं से रिसीव तो दैट आल्सो यू हैव टू चेक एंड ऑल्सो जब भी अगर आपके पास नोटिस आता है तो माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज टेक द हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट अपनी मर्जी से रिप्लाई मत कीजिए प्लीज टेक द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए उसके अकॉर्डिंगली आप रिप्लाई करिए क्या रिप्लाई करना है अदरवाइज आई टोल्ड यू मेजर कॉन्सिक्वेंसेस विल बी देयर अराउंड 200 टू 300% पेनल्टी विल बी देयर प्रोसीक्यूशन विदाउट तो दिस इज ऑल अबाउट द जो आजकल नोटिसिस आ रहे हैं रिगार्डिंग द डोनेशन टू द Uh, अब पहले तो पोलिटिकल थे अब चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन को भी आए हैं जी और ये सिर्फ एट थाउजेंड नहीं है इन द कमिंगे और ज्यादा स्टार्ट हो जाएंगे इट विल्ल तो ये नंदिता जी दिस इज ऑल अबाउट यू आर क्वेरी आई थिंक जो आपके क्वेश्चन थे उसका सॉर्ट आउट होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट सी ए को ही ना इनवॉल्व कर दीजिए